क्लास का नाम कोई ले ले, ठीक है। एक स्टैटिक वेरिएबल दो बच्चों, इसके अंदर एक्स नाम का उसमें वन डाल दो। अरे इधर देखो बच्चों, इसमें वन डाल दिया, एक स्टैटिक नाम दे दो, स्टैटिक वॉइड, स्टैटिक वॉइड। और मेथड का नाम देखो क्या है, मेथड का नाम है इन्फो। अरे बातें मत करो, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रिंट कर दो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, ठीक है। आई एम इन्फो, वो बढ़ा दो, ठीक है। सर ये तो एक्स्ट्रा क्लास हो ही ना, ये तो नॉर्मल क्लास है, तो और स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक्स्ट्रा क्लास कैसे बनेगी, ऐसे ए बी एस टी आर एस सी टी। अब सर एक बात एक प्रूव करो, आप ये प्रूव करो कि एक्स्ट्रा क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो क्या मैंने अपने हाथों से इसमें कंस्ट्रक्टर लिखा, लिखा नहीं लिखा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होगा, ठीक है। समझ देख लो, इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होगा, ठीक है। इनको लगता है अगर मैं एक्टिंग करता हूँ, ये सब एक्टिंग कर सकते हैं। और तो विष्णु ने की थी उसमें, ओ माय गॉड में वो नहीं बहुत सही एक्टिंग की। आ जाओ जावा सी टेस्ट 15, ओके रन करते बच्चों जावा। अच्छा कॉल किया मैंने, अच्छा हाँ ये तो देखो जावा पी करके इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा नहीं होगा, देखते हैं। जावा पी फू, जावा जावा तो ना दो बार, अच्छा जावा जावा वो कंफ्यूज हो गया, वो करना क्या जा रहा है। ये देखो बच्चों हैंस टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, हैंस टू हो गया, बात समझ आई। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मान लो मुझे इसकी एक्स की वैल्यू इनको को कॉल करना है, मैंने आपको बताया था एज यूजुअल, ठीक है। और उसकी वैल्यू शो करके देखते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। कैसे एक्सेस करोगे बच्चे, सबसे पहले क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, ओके। मेथड कैसे कॉल करोगे, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, ओके। वन तो जावा सी टेस्ट 15, जल्दी नाम क्या था, जावा टेस्ट 15, बातें मत करो सन, आई एम थैंक यू वेरी मच, करो जबरदस्त है। अरे इसमें इसको लिखो मत बच्चे, तो हमें पता है मैं लिखा हुआ है एज यूजुअल, उसे भी लिखोगे बेकार की चीजें, क्या लिखोगे, तो कोई नई चीज होने लिखते हैं।